हेलो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि अध्यक्ष ने या फिर वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं या सचिव ने क्या कहा है। आयोग में जैसे कि धरना प्रदर्शन चला, मैंने वीडियोस भी दिखाई और बताया भी आपको, और जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, जो भी जितने भी वहाँ पर आए थे वैकेंसी में, तो आप सबके मन में अब चल रहा होगा कि अध्यक्ष ने क्या कहा, सचिव ने क्या कहा, या फिर जो भी वहाँ पर मिले कर्मचारी, उन्होंने क्या बात की है। तो मैं सभी से पहले तो ये बात करना चाहूंगा, अच्छी खबर नहीं है। कुछ अच्छी खबर है, पर अच्छी क्या, वो एक तरीके से लॉलीपॉप ही है, उसमें मैं अच्छा नहीं कह सकता। तो मैं आपको पूरी जो बात वहां पर हुई है और जो वहां से निकली है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक, आप कहीं भी वेरीफाई करवा सकते हैं। मैंने नोट डाउन कर लिया है, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता चलूंगा। तो सबसे पहले तो पीईटी को लेकर के, जो पीईटी उनका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था, उसको उन्होंने लेकर के सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो पीईटी है वो अब उसके लिए आगे डेट नहीं बढ़ेगी किसी भी हालत में। तो पीईटी के जो फॉर्म रीओपन होने थे, अब नहीं होंगे, फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, बिल्कुल मना कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक जो वहां के हैं, दिनेश कुमार जी, उन्होंने मना कर दिया है। तो देखिए, मैं बता दूं कि जो बात हुई है वो दिनेश जी ने बात की, जो प्रवीर कुमार अध्यक्ष हैं वो नहीं आए, उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को भेजा, जो कि दिनेश जी हैं, उनसे बात हुई है। और सबसे पहली, सबसे बड़ी खबर यही है कि आपकी पीईटी की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, पीईटी की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि पीईटी का एग्जाम को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इससे पहले कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा, पीईटी से पहले कोई एग्जाम नहीं कराया जाएगा, चाहे वो वीडियो का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, एएसओ का हो, लोअर मेंस का हो, जेई का हो, या कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहले पीईटी कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पीईटी सबसे पहले होगी और पीईटी की जो आवेदन की डेट है आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही। अब आगे बताता हूं, अब उन्होंने क्या कहा है जो आपके मन में चल रहा होगा। जेई के छात्र के, सभी के लिए बताऊंगा, सभी वैकेंसियों के लिए, जितनी वैकेंसी हैं सब वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा मैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ जाएंगे। तो जेई के, जैसे कि जो जेई की वैकेंसी है, ये मैंने लिख रखा है, मैं इस आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं इस पर देख करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख रखा है स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताने के लिए। तो जो जेई 2016 और 2018 के छात्र जो मिलने गए थे, उन्होंने उनसे बात की और बात में यही पता निकला है कि जो जेई 2016 का परीक्षा की डेट है, 4 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर करेंगे, 4 हफ्ते के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर, 28 दिन, 1 महीने मान लीजिए, 1 महीने में डिक्लेयर कर देंगे, यानी जुलाई में लास्ट तक आपकी डेट देखने को मिल जाएगी। दूसरा कि जेई 2018 का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा इन 4 हफ्तों के अंदर ही, ये दो काम होंगे जेई के लिए। ठीक है, आपका पहला काम, जो परीक्षा डेट है 2016 की जारी कर दी जाएगी, 2018 का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। अभी परीक्षा होगी नहीं होगी वो मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान बने रहिएगा वीडियो में, जाइएगा नहीं। ठीक है, अब अगला, आवाकारी रिजल्ट के, जो जैसे कि जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं छात्र, या जो वेट कर रहे थे कि भाई आवाकारी का कुछ निकल के आएगा, तो आवाकारी रिजल्ट के लिए सीधे परीक्षा नियंत्रक ने बोल दिया है कि जी अभी रिजल्ट ये जारी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो आवाकारी का जो रिजल्ट है इसमें देर लगेगी, इसके बारे में कोई डेट या मंथ ऐसा कुछ नहीं बताया है। ठीक है, अब अगला, लोअर टू के जो छात्र हैं, लोअर टू के रिजल्ट के बारे में जो पूछ रहे थे, तो जो लोअर टू का जो रिजल्ट है, 3 हफ्ते बाद इसकी सूची जारी की जाएगी, 3 हफ्ते बाद इसकी सूची जारी की जाएगी, यानी 20 दिन मान के चलिए, 20 जुलाई के बाद, 20 जुलाई के बाद आपका जो लोअर टू का रिजल्ट है उसको, उसकी सूची जारी करने की बात कही है परीक्षा नियंत्रक ने। ठीक है, लोअर टू के जितने भी छात्र हैं सुन लें इस बात को। अगला, लोअर मेंस की जो डेट है, लोअर मेंस की जो परीक्षा है उसको भी बताया गया है। ठीक है, अब जो मेन बातें हैं एग्जामों को लेकर के, कि कौन कौन से एग्जाम होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, लोअर मेंस के लिए बताऊंगा, वीडियो के लिए बताऊंगा, एएसओ के लिए भी, बोरिंग के लिए भी, फॉरेस्ट के लिए भी, और लोअर मेंस, ये 5 एग्जाम हो गए। बाकी का जेई 2016 2018 उस वैकेंसी के लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 5 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आयोग के द्वारा, ऐसा कहा गया है कि 5 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आयोग के द्वारा अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में 5 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और वो 3 5 एग्जाम कौन से होने वाले हैं उन 3 महीने में, देख लीजिए, वीडियो, वीडियो जो कैंसिल हो गया वो एग्जाम होगा,
पर वो आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। जो छात्र पूछ रहे थे कि वीडियो 2018 की अपडेट बताओ, वीडियो 2018 की अपडेट बताओ, तो वीडियो 2018 की अपडेट आ चुकी है। यही है कि वीडियो 2018 का जो एग्जाम होगा उसका री एग्जाम होगा और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। एएसओ का एग्जाम होगा, बोरिंग टेक्नीशियन का होगा, फॉरेस्ट गार्ड का होगा और लोअर मेंस की परीक्षा होगी इन 3 महीने में। यानी कि आपका जो 5 परीक्षाएं बताई हैं अक्टूबर से दिसंबर तक, वीडियो, एएसओ, बोरिंग टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर मेंस, 5 परीक्षाएं हो गई जो कि आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने में कराई जानी है। अब बात करते हैं जेईई 2016-2018 का, जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि हम डेट दे देंगे और सिलेबस दे देंगे, तो इस साल जेईई 2016 का और 2018 का एग्जाम नहीं होगा। जैसा कि क्लियर मेंशन है, आप इस बात को कहीं भी वेरीफाई करवा लें, ऑथेंटिकेशन साबित करवा लें कि हाँ भाई ऐसी बात हुई है नहीं हुई है। देखिए तो ये सारी चीजें हैं जो कि आयोग में हुई, उन्होंने ये जो बात बोली है 2016-2018 के लिए सिलेबस के लिए बोल दिया कि हाँ डेट दे देंगे, बट अगले साल पेपर मान के चलिए आपका होगा। 2000 नई सरकार जब बनेगी और वो भी कब करवाएगी कब नहीं आप कुछ नहीं कह सकते। अब मैं बात कर लूंगी जो भर्ती है, जो 5 भर्तियां जिनके एग्जाम होने हैं इनका भी अक्टूबर से दिसंबर बोला है, वो भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब बात कही गई कि आप परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, हम कोई परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करने वाले हैं, हम कोई परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करने वाले हैं फिलहाल में। तो मतलब फिलहाल में कोई जारी नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि पीईटी होगा, उसके बाद वो सोचेंगे सितंबर में जाके कि हाँ एग्जाम कराने हैं कि नहीं कराने हैं। ठीक है, तो उन 5 परीक्षाओं का भी क्लियर नहीं है और जेईई 2016-2018 का भी उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से आयोग ने मना कर दिया है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य यही है कि किसी भी तरीके से योगी जी का घेराव किया जाए। प्रवीर कुमार अध्यक्ष जी बात करने आते ही नहीं है, पिछले जो अध्यक्ष थे सीबी पालीवाल जी, उन्होंने कितना अच्छा कार्यकाल अपना जो भी जिस तरीके से निभाया, छात्रों के हित में आकर के जो भी बात की, फिलहाल वो इंटरेक्शन तो करते थे, इन्होंने तो बात करने से ही मना कर दी। तो देखिए अब हमारा कर्तव्य यही है कि ये परीक्षाएं होंगी तो होंगी कैसे, ये अदर में ये सारी की सारी परीक्षाएं लटकी नजर आ रही हैं, परीक्षाएं होने का कोई समझ में नहीं आ रहा कि होंगी भी। तो आप सभी के मन में यही क्वेश्चन घूम भी रहा होगा कि ये परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। देखिए जहां तक मुझे लगता है पीईटी सितंबर तक हो जाएगा, बाकी की जो परीक्षाएं उनमें से एक आध एग्जाम करा लेंगे, बाकी टाल देंगे 2022 में, इलेक्शन जब हो जाएगा अप्रैल के बाद, मई जून से परीक्षाएं करानी शुरू करेंगे, वो भी नई सरकार कोई बन गई तो पता नहीं कैंसिल कर दे सबको। तो देखिए छात्रों, मैं आपका डिमोटिवेट या डिमोरलाइज करने के लिए नहीं आया हूँ या वीडियो बनाने के लिए कि हाँ आपको ये इस तरीके से मैं कि मिसगाइड करूँ या कोई भी चीज आपको गलत बताऊं। आयोग ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, सारी चीजें हुई, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें देखने को मिली। पुलिस से वहां छात्रों को निकालवा दिया गया कि निकालो यहाँ से, और बुरा व्यवहार किया गया लास्ट में। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत पुलिस वालों ने सपोर्ट किया, बस बाद में जैसे कि ऊपर से भी आदेश होते हैं तो भाई वो भी क्या करें, मजबूर है, करते हैं अपना काम करेंगे वो भी, तो वो सारी चीजें। तो मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आपको परीक्षा करानी है तो योगी जी का घेराव करो या एक अपना एक रणनीति तैयार करो कि आगे किस तरीके से हमें इससे आगे अपने एग्जाम कराने हैं, परीक्षाएं करानी है। तो ये सारा ही मैंने डिटेल आपको बता दी। अब कुछ छात्र और होंगे जो इसमें आप पूछेंगे कि जो अलग है, जैसे नलकूप वाले हो गए, वाहन चालक भर्ती हो गए, उर्दू अनुवेदक वाले स्टूडेंट हो गए, या फिर आपके जो जितनी भी और वैकेंसी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, सभी वैकेंसी वाले की वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, वीडियो 2018 की, 15 की, बीपीओ की, उसके लिए भी देखिए कोई मनसा नहीं आयोग की कुछ भी करने की। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये केवल आपको राजनीति स्वरूप दे करके उसका केवल आप आपके वोटों को एक वोट बैंक बना करके बस उसका काम लेना है कि बस पीईटी आ गया है। देखिए ना ही वेटिंग लिस्ट आनी है, ना ही परीक्षाएं मुश्किल ही होंगी, एक दो परीक्षाएं हो जाएंगी दिखाने के लिए। इनका केवल टारगेट है चुनाव 2022 और किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित रखना, बरकरार रखना, कैसे हम डोमिनेंसी दिखानी है, वो सारी चीजें इनको दिखानी है, तो उसके लिए ही कर रहे हैं ये, बाकी कुछ भी नहीं है। आप अपने थोड़ा दिमाग से सोचिएगा कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है एग्जाम होगा, या जो भी चीजें मैं आपको बताई हैं वो सारी कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं? मुझे तो नहीं लगता होंगी। अगर आपको लगता है कुछ होने वाली है, कुछ होगा, तो आप बताइएगा। वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।